गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने लेसन 10 का वर्ड प्रॉब्लम, लेसन 10 मैथ्स सब्जेक्ट में लेसन 10 वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बाकी रह गया था, उसको मैंने कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है देखो, मैंने दो ही क्वेश्चन बाकी था, 6 और 7 नंबर में। उसके पहले तो मैंने पहले दिन करवा दिया था। एक शॉपकीपर हैड 170 काइट्स, ही सोल्ड 145 काइट्स, हाउ मेनी काइट्स आर लेफ्ट विद देम। सबट्रैक्शन मतलब कैंसिल करना है। एक शॉपकीपर के पास बहुत सारे सामान था और उसने उससे कुछ बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास कितना रहा वो आपको बताएगा, वो माइनस करना है, सबट्रैक्शन। ओके, देखो 106 नंबर, ये फ्लोरिस्ट है 436 इन फ्लावर्स, 436 पिंक फ्लावर्स, ही गेव 224 पिंक फ्लावर्स, 204 पिंक फ्लावर्स, ये तो कितना, हाउ मेनी पिंक फ्लावर्स आर मेनी
उससे अच्छा है मैं एक समझा दूँ ना वो देखो मैं एक एक समझा उसके बाद दूसरे लिखूंगी ओके। एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर के पास कितने काइट्स है 170 और उसने एक काइट को बांधा अभी आ रहा है ना काइट तो अब उसने कितने बेच दिया 145 काइट है उसके पास कितने काइट्स है 170 काइट्स और उसने कितना बेच दिया 145 काइट्स तो उसके पास कितने काइट्स रहा यस तो जीरो अब क्या आएगा जीरो में जीरो नीचे ग्रेटर नंबर है 5 उसके आगे क्या करना है यहाँ से यह 6 यहाँ आएगा 1 और 0 यहाँ 1 तो 10 से 5 माइनस करो 5 6 से 4 जाए 4 5 6 2 और 1 से 1 माइनस करोगे तो 0 25 काइट्स अली 25 काइट्स कैसा 0 था 0 से नहीं आएगा 0 से यहाँ 5 माइनस नहीं होता है तो हमें क्या करना है उसमें 17 से 110 ले लिया और 0 तो 10 हो गया 10 से 5 माइनस करो तो 5 हो गए और 6 है 6 से 7 से 1 हमने क्या ले लिया तो उसका कितना रहा 6 और 6 से 4 माइनस करो तो कितना रहा 2 अभी 1 से 1 माइनस करो तो कितना आएगा यहाँ तो 1 है ही इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं 1 से 1 माइनस करो तो कितना आएगा 0 कुछ नहीं ओके ये इतना तक ही नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओके ये आप लोग थोड़ा समझ लो एक शॉपकीपर के पास 170 काइट्स था और उसको काइट हमने क्या किया उसने बेच दिया 145 काइट हाउ मेनी काइट्स आर लेफ्ट विद हिम कितने काइट्स हमें लेफ्ट किया कितना काइट्स हमें बेच दिया तो लेफ्ट हुई 25 काइट्स नाउ अब सेकंड नंबर कर रही हूँ अब मैंने 7 नंबर क्वेश्चन करे ओके इसे राख करती हूँ अभी 7 नंबर क्वेश्चन ओके
How many years that last? देखो स्टूडेंट्स, ये देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है यहाँ। एक फ्लोरिस्ट जो फ्लावर बेचता है, फ्लोरिस्ट हैज 436 पिंक फ्लावर्स। यस, कितने हैं? 436 पिंक फ्लावर्स। ही गेव 224 पिंक फ्लावर्स टू केतन। उसको दिया किसने? उसने केतन को दिया 224 पिंक फ्लावर्स। तो हाउ मेनी पिंक फ्लावर्स ही लेफ्ट विद द फ्लोरिस्ट? फ्लोरिस्ट के पास कितने फ्लावर रहा है? देखो 436 फ्लावर्स कितना है? 436 पिंक फ्लावर माइनस 224 पिंक फ्लावर, तो कितना है? 6 से 4 माइनस करो तो कितना रहा? 4 माइनस कर दो 4, 5, 6 कितना है? 2। तो हमें क्या लिखना है यहाँ? 2। 3 से 2 माइनस करो 1, 4 से 2 माइनस करो तो 2, कितने? 212 पिंक फ्लावर्स। उसके पास कितना रहा? उसने गेट दे दिया केतन को इतने फ्लावर्स, तो उसके पास कितने फ्लावर्स रहा? 212 पिंक फ्लावर्स। ओके, अब 436 पिंक फ्लावर माइनस करो 224 प्लस पिंक फ्लावर, फिर कितना रहा उसके पास? 212 पिंक फ्लावर्स। ओके, ये आप लोग लिख लिया करो फटाफट जल्दी से। ये मैं रैप करो। ओके, मैंने नीचे एक मेंटल मैथ्स दिया गया, वो मैंने करा दूंगी। व्हाट इज द टोटल ऑफ 45 माइनस 50? व्हाट इज द
Yes.
students, देखो क्या है, what is the total of the 45 and 50, 45 और 50 कितने होता है, total, total बोला गया 45 plus 50, तो कितना आएगा इसमें, 5 और 0 कितना होगा, 5, 5 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95. Yes, answer is 95. 100 balloons balls added to 250 balls. How many in all? देखो 250 plus 100 कितना होता है? 350. 350. Bye.